गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है यूपीपीसीएस एक मॉडल टेस्ट पेपर का आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन है आपका जो है सबसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, विश्व में पाए जाने वाली प्रजातियों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए एवं वर्गीकरण के आधारों का जिक्र कीजिए। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड्स रेसेस एंड डिस्कस देयर बेसिस। उसके जो है किस बेस पे, किस आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो इनको हमको यहाँ पे देखना है थोड़ा सा जो है इसके कंटेक्स्ट में। तो फिर से आंसर राइटिंग में मैंने पहले ही बताया कि पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला जो कार्य है वह है हमारा जो है क्वेश्चन को ब्रेक करना। सबसे पहला अब क्या, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो दो यहाँ पे पार्ट है। एक तो वर्गीकरण देना है आपको विश्व के संदर्भ में जो है, तो प्रजातियों में यहाँ पे ध्यान रखिएगा मानव प्रजातियों की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने मानव नहीं लिखा है लेकिन ये ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है तो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ मत बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है मानव प्रजातियों के कंटेक्स्ट में है, हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था क्वेश्चन में वो नहीं है। तो ह्यूमन रेसेस के बारे में बात करें हम लोग, तो ये ध्यान दीजिएगा ह्यूमन रेसेस। तो मानव प्रजातियों का एक विश्व में वर्गीकरण देना है और उस वर्गीकरण का एक आधार आपको बताना है। सेकंड पार्ट है आपका जो है आधारों का वर्गीकरण, आधारों का जिक्र कीजिए कि किस बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के भी कितने पार्ट्स हमारे पास, दो पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको जो है मीटर थोड़ा सा ज़्यादा है तो याद करना पड़ेगा अच्छे से। पहली बात तो कुछ चीज़ें याद करने वाली है, कौन सी प्रजातियाँ कितने प्रकार की कहाँ कहाँ पे विश्व में मिलती है, तो इसको कम से कम शब्दों में समेटना है। तो मैंने दो तीन आधार लिए हुए, दो तीन जो विद्वान हैं उन लोगों का वर्गीकरण लिया हुआ है, उनमें से किसी एक का डिटेल वर्गीकरण आप दे सकते हैं कम से कम शब्दों में, जितना कि आपको याद हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ याद आ जाए एग्ज़ाम में, लेकिन मैक्सिमम जितना आप अच्छे से याद करके जाएंगे और जितना कम शब्दों में विद इन अ टाइम विद इन अ मिनट्स आप लिखेंगे उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन थोड़ा वर्गीकरण पहले पूछा हुआ है, आधार बाद में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा लेके चलेंगे। पहले वर्गीकरण जो किया जाता है किन किन आधारों पर किया जाता है, आधारों का जिक्र पहले करेंगे और फिर उन आधारों पर जो है विश्व की मानव प्रजातियों को आपका जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें किसी एक का वर्गीकरण आप डिटेल देंगे, बाकी सबका नाम जिक्र करके फ्लो चार्ट आदि के द्वारा दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे हम लोग प्रजाति की परिभाषा से। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किससे करेंगे आपका जो है प्रजाति की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ प्रजाति। प्रजाति किसको कहा जाता है सरल शब्दों में, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं प्रजाति किसको कहा जाता है। प्रजाति वर्ड हम लोग मानव के संदर्भ में खास करके रेसेस जो वर्ड है आपका जो है रेसेस जो वर्ड है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में रेसियल आधार पे जो है कुछ फिर से वहाँ पे कुछ विद्रोह दंगे हुए थे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से रेसेस का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो मानव मिलते हैं सभी की सकल सूरत, बाह्य लक्षण जिसको हम लोग कह सकते हैं आउटर जो उसका फीचर्स है, और कुछ इनर फीचर्स में भी क्या होते हैं डिफरेंस पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हम लोग प्रजाति वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो बाह्य शारीरिक लक्षणों में समानता के आधार पर। प्रजाति को हम लोग डिफाइन करते हैं कि बाहरी या शारीरिक लक्षणों में समानता के आधार पर जो मानव समूह मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को
ह्यूमन बींग्स को देखेंगे या फिर आपका पड़ोसी देश चाइना को देख लीजिए, तो चाइना में जो रहने वाले लोग हैं हमसे कम्प्लीटली वह क्या है, डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो वो प्रजातियाँ हम लोग इसको किस में रखते हैं, मंगोलाइड प्रजाति में रखते हैं। वो किस प्रजाति में आते हैं आपके जो है, मंगोलाइड प्रजाति में आते हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो मानव, जैसे आप अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो वहाँ पे आपके ब्लैकिस, ब्लैक स्किन वाले लोग मिलेंगे। उनका जो चेहरे का आकार है, नोज है, नोजी है, ये सभी नाक है आपके क्या होते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो विश्व में देखा जाए तो मोटा मोटी देखा जाए तो चार प्रकार की मानव प्रजातियाँ मिलती है। एक तो मंगोलाइड मैंने कहा, दूसरा कॉकेसाइट जो खास करके यूरोप वगैरह में मिलेंगे, तीसरा आपका निग्रोइड जो अफ्रीका वगैरह में है, और निग्रोइड में है कुछ अलग से जो मिलते हैं जो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी वगैरह है उसको ऑस्ट्रेलाइट कहा जाता है। तो वैसे देखा जाए तो तीन ही मिलेंगे आपको, निग्रोइड, और चौथा जो निग्रोइड कहीं देखेंगे तो ऑस्ट्रेलाइट के रूप में एक अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑस्ट्रेलाइट करके। तो कुछ लोगों ने तीन ही माना है, कुछ लोग ऑस्ट्रेलाइट को निग्रोइड से अलग मानते हैं, और कुछ लोग जो है चार प्रजातियां मानते हैं विश्व में। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कितना क्या लिखना है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम प्रजाति के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे कि प्रजातियाँ, प्रजाति का मतलब वास्तव में है क्या, और दूसरा उसके बाद आएंगे कि इन प्रजातियों को जो है किन किन आधारों पर आपका जो है वर्गीकरण किया जा सकता है, किया गया है। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का आंसर लिया हुआ है, तो उस पर आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रजाति की परिभाषा ली हुई है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग। तो प्रजाति की परिभाषा में है आपका, मानव शास्त्रियों ने रंग रूप आकार तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकी या प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, एक बायोलॉजिकल, ये क्या आपका एक बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। उनके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को क्या कहते हैं, प्रजाति के। जस्ट मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि कुछ शारीरिक लक्षणों में समानता के आधार पर जो मानव समूह दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मंगोलाइड का, तो चाइना या नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जो हमारा मानव समूह है वह एक विशेष प्रकार का दिखाई देता है। आपका अफ्रीका में रहने वाले जो मानव समूह है एक दूसरे प्रकार का दिखाई देता है, यूरोप के लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं। तो एक मोटा मोटी देखा जाए पूरे विश्व में, वैसे तो इनमें भी जो है अंतर दिखाई देता है। भारत की बात करें तो भारत में नॉर्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, साउथ में रहने वाले लोग, वेस्टर्न ईस्टर्न देखेंगे तो कुछ अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे, लेकिन भारत में प्रजातियां मिक्सअप हो चुकी है, तो मिश्रित प्रजाति के रूप में है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं जाना है, तो एक अच्छा पैराग्राफ ले करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया हुआ है, ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, और इन पर पर्यावरण का प्रभाव सामान्यतः नहीं पड़ता है, अथवा पड़ता भी है तो कम पड़ता है। आई बस समझ में कि जैसे मान लेते हैं कि कोई थोड़ा बहुत तो 50, 100, 200 साल बाद पड़ेगा, लेकिन यदि अफ्रीका का निग्रोइड प्रजाति के लोग यदि यूरोप में भी रहने लगे तो हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी 2-4-10 पीढ़ी के बाद उनका कलर ब्लैक की जगह धीरे धीरे वाइट होने स्टार्ट होगा, लेकिन यदि वो ब्लैकिश है और ब्लैक से ही शादी करते हैं तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन में मोस्ट ऑफ द क्या होगी आपकी जो है निग्रोइड प्रजाति के रूप में ही उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे क्लाइमेट और उसका प्रभाव जो है न के बराबर पड़ता है, पड़ेगा भी तो मैंने फिर से कहा कई सालों बाद वह दिखाई देगा। ये नहीं कि आज अफ्रीका का कोई निग्रोइड प्रजाति का व्यक्ति यूरोप में जा करके रहने लगता है ठंडे देशों में तो तुरंत ही जो है वह गोरा हो जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, जस्ट अगली नस्ल उनकी गोरी पैदा होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे
तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट देखा जाता है इन प्रजातियों अर्थात शारीरिक लक्षणों के आधार शारीरिक लक्षणों में समानता के संदर्भ में। अलग अलग क्लाइमेट के लोग अलग अलग शारीरिक विशेषताएं लिए हुए होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि मंगोलाइड प्रजातियों की उत्पत्ति मुख्य रूप से मरुस्थली शुष्क क्षेत्रों में मानी जाती है, इसलिए उनकी आँखें छोटी होती है, इसे हम लोग एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। क्यों होती है? क्योंकि धूल भरी आंधी वगैरह चलती है, तो आंधी या धूल भरी आंधी से बचने के लिए आदमी क्या करेगा, आपका जो है वह छोटी आकर के देखेगा। तो इस कारण से मंगोलाइड प्रजातियों में एपिकेंथिक फोल्ड पाया जाता है और आँखें उनकी क्या होती है, छोटी होती है। तो इस तरीके से लंबे समय तक किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र के जलवायु आदि के आधार पर प्रजातियों का क्या होता है, विकास होता है, और लंबे समय तक वह विशेषताएँ उनमें क्या होती, बनी रहती है, इतनी जल्दी आसानी से चेंज नहीं होती है। तो एक पैराग्राफ ये हो गया आपका। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में एक दो कुछ ज्योग्राफर्स के नाम, चाहे वर्ल्ड हो चाहे इंडिया के, यदि कोई है तो उसके बारे में यदि आप लेकर के लिखते हैं नाम के साथ थिंकर्स थॉट्स में, तो हमें देना ही है। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी में किसी ने वेल नोन कोई ज्योग्राफर है, थिंकर है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, यदि उनकी परिभाषा उनके नाम लेकर के, ज़्यादा नहीं, एक दो भी आपको अच्छे से याद है, एक ही याद है तो एक कम से कम याद करके लिखने की कोशिश करना है। उससे आपको डेफिनेटली आधा एक नंबर हमेशा ही ज़्यादा मिलेंगे। तो एक सामान्य परिभाषा तो हमने डिफाइन कर दिया कि ह्यूमन रेसेस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। हेडन के अनुसार, हेडन एक इन्होंने वर्गीकरण भी किया, तो उन्होंने एक डिफाइन किया प्रजाति को। प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में क्या होती है, समरूपी होती है। उनमें क्या होता है आपका, यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, आपके जो है होमोजिनिटी पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तो लगभग वही चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया। एक जैविक नस्ल है, बायोलॉजिकल आपका क्या है, आपका जो है बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है आपका जो है, जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरे प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये हेडन की डेफिनेशन है। यदि आप किसी एक ज्योग्राफर या एक या दो जितने भी याद है लेकर के लिखते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको एक दो नंबर वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये है। फिर प्रोफेसर ब्लॉस का मैंने एक डेफिनेशन लिया हुआ है, जरूरी नहीं कि सभी रट याद हो जाए, लेकिन कोशिश करना एक दो याद हो जाए, और कोई भी चीज़ इतना याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम दे करके करेंगे तो हो जाता है। प्रोफेसर ब्लॉस ने क्या डिफाइन किया हुआ है, प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार की, मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो चीज़ें वही है, बस डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसको डिफाइन बोला हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक से अधिक शारीरिक लक्षणों का क्या होता है, संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है, जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो इस तरीके से प्रजाति का कॉन्सेप्ट हो गया, यह आपका प्रजाति की परिभाषा ही नहीं हुई, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रेसेस हो गया आपका, जो ह्यूमन रेसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो इस तरीके से भूमिका लेकर के आप लिखेंगे तो सामान्य की तुलना में थोड़ा सा आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो एक तो परिभाषा हो गई आपकी जो है, इसी में मैंने कुछ चीज़ें और ली थी। प्रजातियों का वर्गीकरण में आते हैं हम लोग। तो प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए कई सारे आधार, कई सारे क्या लिए गए आपके जो है, आधार लिए गए लक्षणों में समानता। जैसे मुख्य रूप से लिया जाता है त्वचा का रंग, आपका लिया जाता है त्वचा का रंग, कपाल की लंबाई, जबड़ों का उभार, ठीक है, आपका शरीर का कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट। जैसे मैंने अभी कहा चाइनीज मंगोलाइड में जो है आपका एपिकेंथिक फोल्ड कहा जाता है उसको, जो है उसको क्या कहा जाता है आपका जो है, एपिकेंथिक फोल्ड कहा जाता है उनकी आँखों में जो है। तो ये मंगोलाइड प्रजाति में मिलती है। तो इन सब आधारों पे जो है वर्गीकरण का क्या किया जाता है आपका जो है, प्रयास किया गया है, इन सभी को आधार के रूप में लिया जाता है। तो मैंने कहा क्वेश्चन हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया उसको देखेंगे। इस आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से हम लोग दो लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का यहाँ पे क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। बाह्य या ऊपरी लक्षण या शारीरिक लक्षण के आधार पर, बाह्य शारीरिक लक्षण के आधार पर, और एक आंतरिक लक्षण जिसमें कंकाल संरचनात्मक कंकाल वगैरह लेते हैं, संरचनात्मक लक्षण लेते हैं, तो इसमें भी क्या क्या लेंगे उसको देखेंगे। तो आंतरिक को भी थोड़ा सा ध्यान में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बाह्य में यदि आए तो आप लोग जानते हैं त्वचा का रंग, जैसे मंगोलाइड प्रजाति की बात करें तो बाल लंबे होते, स्ट्रेट होते हैं उनके जो है, त्वचा का रंग एलोइस होता है आपका जो है,
आंखों का एपिकेंथिक फोल्ड होता है, आपका चेहरा जो थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा होता है, राइट, कपाल आपका चौड़ा होता है। ये कुछ कॉमन मंगोलाइड को देख करके विशेषता निकाल सकते हैं, सेम आपका निगोराइड को देख करके निकाल सकते हैं, ब्लैकिश ब्लैक स्किन होती है, वहाँ पर उनका जबड़ा थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ होता है, नाक चौड़ी मोटी होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पे तो ये बाह्य शारीरिक लक्षण कहलाएंगे। ये बात समझ में? तो बाह्य शारीरिक लक्षण में फिर से हमने क्या लिया हुआ, देखिए बाह्य लक्षण में त्वचा का रंग, तो त्वचा के रंग के आधार पर यदि देखें तो पूरे विश्व में मुख्य रूप से तीन प्रजातियों में डिवाइड किया जाता है। कॉकेसाइट, मैंने कहा नॉर्थ यूरोप या यूरोप वगैरह में पाए जाते हैं मुख्य रूप से जो अधिकांशतः, मंगोलाइट निगोराइट, ये तीन अलग से ही पहचाना जाएंगे। यूरोप के लोगों को देखेंगे आप, अमेरिका में के लोग जो हैं, अमेरिका के जो मूल निवासी वो भी आपके निगोराइड में आएंगे, या मेन देखा जाए तो मंगोलाइड में थे वो मूल निवासी अमेरिका, रेड इंडियंस वगैरह। पूरा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जो है वहाँ के मूल निवासी वर्तमान में न के बराबर बचे हैं। मेन जो है कहाँ से आकर के वापस बसे हुए, यूरोप से। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लोगों को देखेंगे तो वो कॉकेसाइड में दिखाई देंगे, लेकिन मूल प्रजाति नॉर्थ अमेरिका की देखेंगे रेड इंडियंस थी, जो आज की डेट में लगभग लुप्त हो चुकी है, मंगोलाइड प्रजाति थी वो जो है, राइट। निग्रोइड आप लोग जानते ही है। तो इस तरीके से तो ये मैंने बताया था कि जो जो हम इस तरीके से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होगा, आपके जो है उनकी विशेषताएं परिवर्तित होते जाती है, त्वचा का रंग काले से श्वेत होते जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका अन्य आधार, बालों की बनावट, शरीर का कद, बालों की बनावट के आधार पर उसका, जैसे आपका निग्रोइड प्रजाति अफ्रीका की बात करें तो बाल अधिकांश के घुंघरालू होते हैं, देखा होगा आपने, जो देखा है ना आपका क्रिस गेल देख लो, पोलार्ड देख लो, तो उनके बाल छोटे छोटे घुंघरालू टाइप के होते हैं। मंगोलाइड प्रजाति मैंने बताया स्ट्रेट होते हैं। आपका नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ यूरोप में जाएंगे तो वाइट कलर के होते हैं आपके बाल, उनके जो है वाइटिश, कई सारे वाइटिश बाल मिलेंगे आपका। तो ये बालों की बनावट और टेक्सचर उनका क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको भी एक आधार के रूप में लिया जाता है। अब इनके आधारों पे भी जो है अलग अलग नाम लिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्वेश्चन में जो है कि बालों के बनावट के आधार पे जो है अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। उसी प्रकार शरीर में भी छोटा कद, मध्यम कद, टॉल आपका जो है इसको भी डिवाइड किया गया, अत्यधिक छोटे कद वाले, मध्यम कद वाले, अत्यधिक ऊंचाई वाले टॉल, तो इसको भी डिवाइड किया था ऊंचाई के अनुसार। बकायदा उसमें दिया हुआ है कि 150 या 60 सेंटीमीटर से कम है तो छोटे कद कहलाएंगे, वट एवर जो 157 से कुछ है आपका जो है, तो भी एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ आज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतना सब कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिया हुआ है, राइट। या फिर यदि आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख, एक कम शब्दों में डायग्राम लिखते हो, वन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लेस देन 157 सेंटीमीटर है, तो उसको सर एकदम छोटा कद में रखा गया है, स्मॉल आपका जो है छोटा कद में रखा गया आपका जो है, इस तरीके से इसमें सेंटीमीटर्स डिफाइंड है। यदि आपको याद हो जाते हैं तो आप इसी को बहुत ही विद इन अ सेकेंड जो है ब्रिकेट में डाल सकते हैं यदि याद है तो। मुख्य आकृति सेव ऑफ फेस में जहाँ मंगोलाइड का चौड़ा होता है, निग्रोइड का भी चौड़ा होता है, यूरोपियन में जाएंगे तो लंबे लंबा चेहरा होता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है यहाँ पे। आँखों का रंग और उसकी बनावट ये भी अलग अलग होती है, कुछ लोग ब्लू आई वाले होते हैं, राइट, और आपका जो है कुछ लोग की ब्राउन आइज होती है, कुछ की वाइटिस होती है, तो अलग अलग आई के कलर्स भी होते हैं और उसका फॉर्मेशन भी क्या होता है अलग अलग होता है। फिर मैंने कहा होठों के आकार, लिप्स भी आपके साइज अलग अलग होते हैं, मोटे होठ वाले होते हैं, कुछ पतले होठ वाले होते हैं, तो इन सबको आधारों के रूप में लिया जाता है प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट क्या है, प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये दीज आर द आउटर फिजिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू दैट वी क्लासीफाई द ह्यूमन रेसेस, राइट। नेक्स्ट कुछ आंतरिक लक्षण में, खास करके जो है आंतरिक में यहाँ पे मुख्य रूप से हमने जो लिया हुआ है आंतरिक में, ये हम लोग इसको कहते हैं कपाल सूचकांक, मुख्य रूप से कपाल सूचकांक और नासा सूचकांक, राइट, कपाल सूचकांक आपके जो है और नासा सूचकांक, सेफलिक इंडेक्स कहते हैं इसको, और नासा सूचकांक, नासा सूचकांक अलग से नेक्स्ट में होगा हमारा। तो सेफलिक इंडेक्स का मतलब ये माथे की चौड़ाई, कपाल का मतलब इसकी चौड़ाई के संदर्भ में है,
तो इसमें हम लोग लेंथ ऑफ हेड लेते हैं कि कितना हमारा लंबाई है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकल जाएंगे, कपाल सूचकांक निकल जाएगा हमारा, कि कपाल की लंबाई डिवाइडेड बाई कपाल की चौड़ाई इंटू 100। तो उसके जो इंडेक्स है 75 से कम निकलता है तो उसको हम लोग लंबा सिर वाला कहते हैं, 75 से 80 के बीच तो मंझला या मध्यम सिर वाला कहते हैं, 80 से अधिक निकलता है तो छोटा या चौड़ा कहा जाता है। इसके लिए ये वर्ड यूज किए गए डोलिकोसेफलिक। कुछ एग्जांपल्स है, ये इसका डिटेल नहीं देंगे यहाँ पे चलेगा, बस हम लोग आधार का जिक्र करके आगे निकल सकते हैं। ये नाम दे देना, लंबे सिर वाले डोलिकोसेफलिक, मध्यम सिर वाले, और कौन कौन से ट्राइब्स है एक आध दो नाम याद है तो डाल सकते हैं। मैंने फिर से कहा है कि हर चीज़ को हम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इतने सारे चीज़ें हैं यहाँ पर लिखने के लिए, लेकिन हमें ये शो कर देना है कि हमें इन चीज़ के बारे में पता है, बट टाइम और वर्ड्स लिमिट के कारण से हम उसको डिटेल नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एक झलक दिखला करके छोड़ देना है ताकि सामने वालों को लगे कि हाँ इसको पूरा उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी पूछा गया उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन विद इन अ टाइम विद इन वर्ड्स लिमिट में हमें देना है। तो इस कारण से हमने उसको क्या कर दिया है, सिर्फ जिक्र करके छोड़ दिया है। तो ये सामने वाला आपको जज कर जाएगा कि यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद नासा सूचकांक, मैंने कहा नासा सूचकांक भी जो निकाला जाता है वही आपका नाक की लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत निकाल देंगे, तो उसको हम लोग नासा सूचकांक कहेंगे आपका जो है। तो उसके आधार पर भी जो है यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया आपका सक्रिय पतली नासिका पेक्टोराइन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की होती है, ऐसा लग रहा उल्टा क्यों नहीं लगा, मध्यम नासिका और चपटी चौड़ी नासिका, राइट। तो मध्यम नासिका पॉलिनेशिया साइबेरिक निवास कुछ अमरीकी भारतीय और पीतवर्ण की प्रजातियों में, और चपटी नासिका आपके अल्पशुष्क मरुभूमि और प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलियन के मूल निवासों में मिलती है, निग्राइड में भी मिलेगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और विषुवतरेखीय, ये वाला विषुवतरेखीय क्षेत्रों में मिलेगी चपटी और चौड़ी नासिका अफ्रीका के विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, और उष्णकटिबंधीय में आपका थोड़ा सा लंबी मिलेगी, और बाकी जो है मध्यम साइबेरिया ठंडे क्षेत्रों में लंबी नाक वाले होंगे, वैसे इसमें लंबी नाक वाले उसमें भी आएंगे सक्रिय पतली नाक, ठंडे क्षेत्रों में भी आएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया एक आधार नासा सूचकांक। तो इन सब आधारों को लेकर के क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इन्हीं सभी आधारों के आधार पर कई सारे विद्वानों ने पूरे विश्व की मानव प्रजातियों को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो साइंटिफिक वर्गीकरण जो है ये लिनेकस का माना जाता है, इन सभी में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वर्गीकरण किसका माना जाता है आपका जो है लिनेकस का, तो इसको आप डिटेल दे सकते हैं। तो बाकी का थोड़ा सा जिक्र करके छोड़ देंगे, हैडन क्रोबर इन सब ने भी दिया था, मैंने यहाँ क्रोबर का नहीं लिया, हैडन और टेलर का थोड़ा सा लिया हुआ है क्योंकि इनका वर्गीकरण, और उसके बाद लिनेकस का डिटेल दिया हुआ है। तो लिनेकस का डिटेल दिया जितना आपको याद हो सके, उनके आधार पे आपको वहाँ पे क्या करना है उसका डिस्कशन करना है, लिखना है, जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपको अच्छे से उतना याद करके लिख सको, लेकिन जितना याद आ जाए कम से कम मेन मेन पॉइंट्स याद आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हैडन में। तो हैडन ने जो है बालों के आधार पर, कद के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, खोपड़ी का मतलब यहाँ पर है वही आपका कपाल सूचकांक, सेफलिक इंडेक्स के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 6 प्रमुख वर्गों में डिवाइड किया है। तो हेडन का हम डिटेल देना नहीं, बस 6 का नाम आप लिख देंगे कि 6 कौन कौन से प्रजातियों का उन्होंने जिक्र किया हुआ है, राइट। तो 6 का नाम मैंने लिया, बस कहाँ मिलती है बहुत ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा तो नहीं लिखिएगा, बस नाम लिख देना उन्होंने 6 भूमध्य सागरी, अल्पाइन, निग्रिटो, और कुछ का तो आप कॉमन सेंस लगा के भी एक दो का नाम जिक्र कर सकते हैं, भूमध्य सागरीय है तो भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, शीतोष्ण पृथ्वी तक में मिलते हैं, उसमें से शीतोष्ण के बीच में। तो ये आपका, बाकी ये सब इतने याद नहीं रहते किसके लंबे से भूरे, तो अभी तो लगेगा पढ़ते हुए लेकिन जब सबका मिक्सअप हो जाएगा तो याद नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ ये विशेषताओं से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, भूमध्य सागरी नाम याद होना चाहिए आपको, मेडिटेरेनियन टाइप, एंड देन कुछ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि किन क्षेत्रों में मिलते हैं।
क्योंकि ये श्वेत त्वचा एक कॉमन सेंस कुछ तो लगा के लिख लोगे, लेकिन सबका एजिटीज याद नहीं रहेगा। लंबा सिर, भूरी श्वेत त्वचा, इसी तरह से आगे की भी विशेषताएं आएंगी तो सब आपका याद नहीं हो पाएगा। तो उतना जरूरत भी नहीं है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमने आधार पहले ही बता दिया कि अलग अलग आधारों पर दे सकते हैं, और इन्हीं आधारों पर हेडन ने 6 वर्गीकरण किया है जो सामान्यतः इन इन क्षेत्रों में मिलते हैं। हेडन के बाद टेलर का इंपॉर्टेंट है। टेलर ने पूरे विश्व की प्रजातियों को 7 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। फिर से ये आगे की पतला सिर लंबा से याद नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिए, बस नाम याद रखना है। और इन्होंने जो है माइग्रेशन के लिए एक सिद्धांत भी दिया था, आपका प्रवास सिद्धांत के आधार पर, प्रजातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत टेलर ने जो है 1919 में उसको आपके क्या जोनल थ्योरी नाम है आपका जो है, माइग्रेशन जोन थ्योरी करके है आपका जो है, तो उन्होंने ये बताया था कि कैसे प्रजातियों का जो विकास है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पन्न होने के पश्चात धीरे धीरे क्या होगा बाहर की ओर शिफ्ट होते गए, तो जो पुरानी प्रजातियां आउटर में मिलती है, न्यू प्रजातियां कहाँ पे मिलती है आपका जो है आंतरिक भागों में मिलती है। तो मध्य एशिया वाला क्षेत्र उन्होंने जो है मुख्य रूप से उत्पत्ति का क्षेत्र बताया हुआ है, तो मध्य एशिया में उत्पन्न होकर के बाकी इनका क्या हो गया बाहर के प्रसार होते गए, नई नई प्रजातियाँ विकसित हुई और पुरानी प्रजातियों को बाहर की ओर खदेड़ते गए। तो वहीं से इनका सिद्धांत स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, टेलर का आपका प्रजातियों के संदर्भ में क्वेश्चन भी आ सकता है, माइग्रेशन जोन थ्योरी इस टाइप से कुछ नाम है उनके सिद्धांत का जो है, तो वो भी आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछा भी होगा क्योंकि टॉपिक स्पेशली आपका UPPCS और BPSC में मेंशन है। UPSC में यह टॉपिक नहीं है डायरेक्टली जो है, इंडियन ज्योग्राफी में प्रजातियों ह्यूमन इंडियन रेसेस के कंटेक्स्ट में, इंडियन ह्यूमन रेसेस के कंटेक्स्ट में यह टॉपिक मेंशन है। तो इंडिया की प्रजातियों का क्लासिफिकेशन अलग से किया गया है तो वो हम इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, विश्व के संदर्भ में ये टॉपिक UPSC में नहीं है। तो ये थोड़ा सा UPSC देने वालों के लिए चिंता की बात नहीं है। तो ये आपका 7 प्रजातियों के नाम टेलर के अनुसार, तो टेलर का ये हो गया आपका। अब फिर उसके बाद मैंने कहा कि लिनेकस का वर्गीकरण ज़्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, तो यदि डिटेल लिखना है, यदि क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो किसी भी का वर्गीकरण दीजिए, तो लिनेकस का वर्गीकरण को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, और याद का मतलब फिर उसका जितनी चीज़ें याद आती है उतना एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो है 3 प्रजातियों में डिवाइड किया गया है, तो इन्हीं की विशेषताएं कहाँ पे मिलते हैं, किन क्षेत्रों में, और विशेषताएं फिर से कॉमन सेंस लगा के कॉकेसाइड मतलब यूरोप यूरोप के लोगों को देख करके आप कुछ याद करके लिख सकते हैं। कॉकेसस पर्वत के दक्षिण में इनकी उत्पत्ति वगैरह माना हुआ है, मूल स्थान इनका, तो उसके आधार पर इस प्रजाति की भी 3 शाखाएँ हैं। तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन अंदर में है, तो क्लासिफिकेशन सिर्फ नाम देना है, 3 शाखाएँ इसके, 3 शाखाओं का नाम यहाँ पे देखिए, नॉर्डिक जो सबसे उत्तर, नॉर्वे, स्वीडन, इन नॉर्थ यूरोप में मिलते हैं, नॉर्डिक कहलाते हैं आपके जो है, भूमध्य सागर के आसपास क्लियर हो गए होंगे आपके जो है, और अल्पाइन जो है अल्पाइन आल्प्स पर्वत श्रृंखला के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिलेंगे वह अल्पाइन कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 यूरोपियन शाखा के भी 3 पार्ट हो गए। उसके बाद इंडो ईरानियन शाखा, तो यह इंडो ईरानियन का मतलब समझ गए, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों में, भारत के पश्चिम उत्तर, राजस्थान वगैरह कुछ भागों में जो लंबे लोग दिखाई देते हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र है, ईरान, इराक के समान दिखाई देते हैं, भारत में भी कुछ लोग जो है राजस्थान वगैरह में देखेंगे, तो उनको रखा जा सकता है। हालांकि मैंने फिर से कहा भारत में कुछ लोगों में ही दिखाई देगा क्योंकि मिक्सअप हो चुकी है भारत की प्रजातियाँ अधिकांशतः, सिर्फ ट्राइबल वाली जो प्रजातियाँ हैं उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, इधर मंगोलाइड प्रजाति नॉर्थ ईस्ट में उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और साउथ इंडिया की कुछ प्रजातियों को स्पेसिफाई कर सकते हैं, बाकी जो है लगभग उत्तर भारत की जो प्रजातियाँ, उत्तर पश्चिम भारत की प्रजातियाँ मिक्सअप के रूप में देखी जा सकती है। फिर भी कुछ अलग विशेषताएँ आपको देख सकते हो, इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों की विशेषताएँ अलग देख सकते हो आप लोग जो है, दक्षिण भारत की अलग देख सकते हो, तो कुछ विशेषताएँ अलग दिखाई देती है। सेमाइट और हेमाइट डिवाइड किया, तो इसमें 3 भागों में यूरोपियन, इंडो ईरानियन एंड सेमाइट एंड हेमाइट, ये 3 नाम याद रखने हैं, उसके बीच में कहाँ कहाँ मिलते अच्छे से याद कर लेना तो इन सब क्षेत्रों में। और पॉसिबल हो तो एक छोटा सा सिंपल सा पूरा वर्ल्ड मैप बना करके, या जैसे यहाँ पे यूरोप की बात होती है, यूरोप ही बना करके दिखा दीजिए, एक रफली स्केच बना के, यूरोप के नॉर्डिक का मतलब ये नॉर्थ, पूरा नॉर्थ यूरोप, यहाँ पे नॉर्डिक मिलते हैं भूमध्य सागर के आसपास से पूरा, फिर अल्पाइन वाले यहाँ पे मिलेंगे आपके जो है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैप डाइग्राम का यूज कर सकते हैं, और विद इन अ सेकंड बार बार बनाएंगे तो याद हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है।
वर्ल्ड मैप हो चाहे इंडिया का मैप हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मंगोलाइट आप लोग जानती है, लगभग आपका जितने भी मंगोलाइट चाइना के लोग टाइप के दिखाई देते, दक्षिण पूर्व एशिया चाइना, इन सबको रखा जाएगा। इसके भी तीन अलग चार प्रमुख वर्ग है, प्राचीन आर्कटिक, तीन सबको क्लासिफाई किया गया चार प्रमुख वर्गों में जो है। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है और उसके बाद आपको लिखना है, क्लियर है। तो इसमें मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको मंगोलाइट प्रजाति देखिए कहाँ कहाँ पर है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कुछ चीज़ों में उसको यूज करते हुए। प्राचीन मंगोलाइट, उत्तरी मध्य चीन, मंगोलिया, तो मुख्य रूप से देखेंगे मंगोलाइट प्रजातियों की उत्पत्ति का क्षेत्र आपका तिब्बत, उत्तरी पश्चिमी चाइना और मंगोलिया वाला क्षेत्र रहा है। तो मंगोलिया रहा है इसलिए इसको मंगोलाइट प्रजाति के रूप में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका मंगोलाइट प्रजाति। फिर आर्कटिक मंगोलाइट में हम लोग एस्किमो, जो ग्रीनलैंड में बर्फ में रहने वाले, एक जिसका उसका जो घर बर्फ के घर बनाते हैं, एग्लू कहा जाता है। तो कनाडा मैंने कहा ना, वहाँ के जो मूल निवासी, आज के डेट में मत ढूंढिएगा कि वहाँ पे मंगोलाइट की विशेषताएं मिलेंगी, तो जो मूल निवासी वो मंगोलाइट थे आपके। जो हम लोग नेट जेआरएफ या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स पहले जब होता था ऑप्शनल का, तब यहाँ पे पढ़ते थे और अधिकांश बच्चे गलत करते थे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में कौन सी प्रजातियाँ मिलती है। तो जनरली हम लोग कॉकेस साइड मार के आते थे बहुत सारे बच्चे, लेकिन वहाँ के जो मूल प्रजाति वो किस की थी आपकी, जो मंगोलाइट प्रजाति एस्किमो, जो वहाँ की जनजाति है जो बर्फ का घर बना के रहती है ग्रीनलैंड वगैरह में, मुख्य उत्तरी कनाडा में, उसको एनू कहते हैं। तो ये सब एस्किमो वगैरह जो है वहाँ पे मिलती है। सेमोइड्स, इक्वाडीर, ये सभी चीज़ें आएंगी। कद कुछ छोटा होता है, ये सब विशेषताएँ हैं, तो याद होगा नहीं, जितना होगा याद करके लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आर्कटिक मंगोलाइट। अमेरिकन इंडियन, ये मैंने कहा मंगोलाइट में ही आते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी कहा कि नॉर्थ अमेरिका के आज की डेट में न के बराबर है। तो ये उत्तरी दक्षिण अमेरिका के रेड इंडियंस, मंगोलों के सारे लक्षण मिलते हैं। इनमें काकेशियन व निग्रो का बड़े पैमाने पर वर्तमान में क्या हुआ, मिश्रण हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना कि यूरोप के लोग आकर के बस गए, तो यूरोप के लोग अधिकांशतः काकेशियन थे, तो उनके साथ उनका मिश्रण हुआ है। जैसे इसलिए उनकी आँखें तिरछी नहीं होती है, उनके नेत्र का रंग भूरा होता है। मैक्सिको से अमेजन उत्तरी मध्य घाटी तक फैले हुए, तो आज की डेट में मिश्रित रूप में मिलेंगे, शुद्ध रेड इंडियंस मंगोलियन के रूप में आपको कम दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडोनेशियन मलय, तो नाम क्लियर है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर मलेशिया साइड में मिलेंगे, थाईलैंड, मलेशिया, मलाया, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशियन मलय हो गए आपके जो है, तो चार वर्गों में डिवाइड किया मंगोलाइट को। और फिर लास्ट हमारा है निग्रोइड। निग्रोइड मतलब काली त्वचा वाले, ये इसके भी दो भागों में डिवाइड किया हमने जो है, एक अफ्रीका में मिलने वाले, एक आपका हमारा जो है अफ्रीका में मिलने वाले और दूसरा एशिया में मिलने वाले, एशिया और अमेरिका को एक साथ रखा हुआ है। तो अफ्रीका का समझ सकते हैं निग्रोइड प्रजाति, मोस्ट ऑफ द वहाँ पे जो प्रजातियाँ मिलती वहाँ निग्रोइड में आती है। जितने भी नाइजीरिया, घाना, आइवरी कास्ट, लाइबेरिया, पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल नदी के तट पर, ये सभी जो है मध्य अफ्रीका में जो पिग्मी जनजाति है, विश्व की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है पिग्मी, तो ये भी आपका जो है किसमें आती है, निग्रोइड में आती है। विश्व की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है पिग्मी जो है, राइट। तो ये सभी कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति मिलती है, बुशमैन और हॉटेंटॉट कालाहारी में मिलते हैं। ये सभी याद होने चाहिए आप लोग को और तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। पिग्मी, निग्रो प्रजाति अभी बताया मैंने, विश्व के सबसे छोटे कद वाली मिलती, इनका कद ठिकना होता है 1.36 मीटर, किंतु ये मध्य कापालिक होते हैं। मध्य का मतलब माथा ना तो जब बहुत ज़्यादा चौड़ा ना बहुत कम चौड़ा होता है। मध्य दक्षिण अफ्रीका में बंटू भाषी और तवा भाषी लोग इसमें ही रखे जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जितना याद हो जाए आप लोग को, लेकिन इन चीज़ों को जितना अच्छे से याद करके लिखेंगे उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये आता रहता है आपका। एशियाई अमेरिकन शाखा निग्रो प्रजाति के अंतर्गत आने वाली शाखा में द्रविड़ व ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग, जैसे भारत में साउथ इंडिया और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया ट्राइब्स है यहाँ पे, मुंडा, कोल, गोंड, ये सब किस में आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में आते हैं। ये दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति है, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया प्रजाति, पूर्वी भारत का बताया गोंड, उराव, ये सभी द्रविड़ प्रजाति में आते हैं। दक्षिण भारत में टोडा, कादर, कुरबा, ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, इसको हम लोग भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड कहते हैं। मलेशिया में सेमांग सकाई, सुमात्रा, अंडमान के ओंग्स, ओंगे है उसको ओंग्स, ओंग्स,
न्यू गिनी के पापुआ, न्यू गिनी पापुआन या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिन्स, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलाइट कहलाते ये आपके जो है। तो कुछ जितना याद रहेंगे आपको, कुछ चीज़ें तो कम से कम अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो एक आपका क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है प्रजातियों का वर्गीकरण, तो आप इस तरीके से यही से आंसर निकाल करके हैंडल करना है। इसमें बस मैंने वो नो नो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कद के आधार पे छोटा कद बड़ा कद उसका सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, तो उसको मैंने नहीं लिया है, तो कहीं से लेकर के निकाल के लिख लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन प्रजातियों से आएगा तो इसी को 10 बार पढ़िए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर इन्हीं में से निकाल करके लिखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है आपका। थैंक यू।